एक मजनून लगता है। हुलिया देखो उसका, काशिक की तरह। मुझे अपना बेटा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। सर आएगा, सर से इश्क का भूत तो उतरने दें। आप मत परेशान हो, आजकल हर घर की यही कहानी है, इसी तरह लड़कों को राय रास्ते पे ला रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि ऐसे लालची घर से लड़की लाके अपनी नस्लें तबाह करें। बस अब आप सो जाएं, प्लीज। मुझे नींद नहीं आती, कोशिश करता हूं तो हमजा की आंखें मुझे शिकवा करती हुई नजर आती। लगता है हमने उसका दिल नहीं तोड़ा बल्कि उसी को तोड़ डाला है। अजीब सा होकर रह गया, डर लगता है अगर बिखर गया तो उसे समेटना मुश्किल हो जाएगा। ना करे, मगर ये सब फिक्रें तो माओं के करने की होती हैं। और तुम प्लीज आराम करें, सो जाए। सब घूम फिर रही है, शॉपिंग पे जा रही है, डिनर्स कर रही है। अबे तू कितनी बार दोहराएगा यार, भूल जा उसे। नहीं नहीं, तू समझ नहीं रहा मेरी बात को। मैं देख, मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी जल्दी वो कैसे बुला सकती है मुझे। बुलाना पड़ा होगा यार, वैसे भी दिलनशीन जिस क्लास की लड़की है वहाँ लड़कियाँ बहुत मजबूर होती हैं, वो अपने क्लास लड़कियों की तरह स्टैंड नहीं ले सकती। और तू उसे भूल जा, उसकी शादी होने वाली है, उसे अपने हाल पे ही छोड़ दे, अच्छा होगा तेरे लिए। छोड़ दूंगा। मॉम की कॉल आ रही है, तू ऐसा करके सो जा, काफी रात हो गई है, ठीक है? और हाँ, कल जिम साथ जाएंगे, सही है? सो जा। हेलो जी मॉम। जी 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 बोलिए। एक लड़की जब किसी से मोहब्बत करती है तो वो अकेली नहीं होती, उसे बहुत से रिश्ते मुंसलिक होते हैं। मेरी मंगनी हो चुकी है, अब किसी और की बीवी बनने वाली हूँ और मुझे वो फर्ज भी पूरा करना है। तुम चले जाओ यहाँ से। चले जाओ, जैसे अपने घर वालों के बुलाने पर चले गए थे।